नमस्कार साथियों साथियों, कल 7 जनवरी है और 7 जनवरी से जातीय जनगणना का प्रथम चरण प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें आपको पहले मकान का नवीनीकरण करना है। आज आप सभी लोगों को प्रपत्र मिल गए होंगे। आज मैं उन्हीं प्रपत्रों को कैसे भरना है इस वीडियो में बताने वाला हूं, एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाने वाला हूं कैसे आपको भरना है। मैं आज इसमें बताऊँगा ओरिजिनल प्रपत्र पर भर करके और आपको समझाऊंगा, ताकि आपको कोई परेशानी कल ना हो, आसानी से जाएं और घंटों का काम मिनटों में कर लें, कहीं परेशानी ना हो और दूसरों को भी मदद कर पाएं। तो अतः आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसे देखने के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी, आपको जो दिन भर का काम होगा आप मिनटों में कर पाएंगे और फटाफट कर लेंगे। चलिए समझ लेते हैं। इसे मैं ये भी बताऊँगा कि एक भवन में 2 मकान और एक ही मकान में 2 परिवार अगर हैं तो कैसे उनका आप नवीनीकरण करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से जनगणना संबंधित पल पल की खबरें आपको मिलती रहेगी तथा जनगणना में कोई भी समस्या आएगा तो उसका समाधान किया जाएगा। आप एक कमेंट करेंगे, उस कमेंट का स्वागत किया जाएगा, अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं यह प्रपत्र है जो आपको आज मिला होगा। यह प्रपत्र है ABCD। इसमें मैं 4 उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा कैसे आपको इसे भरना है। आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा हुआ है, तो पहले मैं इसमें आपको दिखा दूँ क्या क्या दिया गया है। इसे दिया है किसी एक गन्ना ब्लॉक, यहाँ ऊपर पढ़ेंगे किसी एक गन्ना ब्लॉक उप गन्ना ब्लॉक का उदाहरण, ये फॉलो चार्ट है जिसको आप देख लेना है। एक परिवार का यहाँ संकेत दिया हुआ है और यहाँ बताया जा रहा है कि एक भवन में 1 मकान है जिसमें 1 परिवार है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में बताया गया है भवन एक ही है, एक ही मकान है और एक ही परिवार है, तो इसका नवीनीकरण क्या होगा, 001 हुआ, जैसा कि यह नवीनीकरण किया गया एक ही भवन 1 परिवार और 1 मकान, तो सब में क्या होगा, 001 होगा। तो ए दिया गया है, बी को समझेंगे, बी दिया गया है, आप वीडियो ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, इसमें कुछ मुख्य बातें आपको देखने को मिलेगी जो पहले आपको नहीं मिले थे। या 1 भवन 3 कमरे 2 परिवार, देखिए एक ही भवन है जिसमें 3 कमरे 2 परिवार, इसमें भवन की संख्या मात्र 1 है जबकि गन्ना मकान की संख्या 2 है। मकान संख्या 02 से में 2 कमरे हैं जिसमें 1 परिवार निवास करते हैं तथा मकान संख्या 03 में 1 कमरे हैं जिसमें 1 परिवार निवास करता है। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि यह 1 भवन है, तो ऊपर भवन नंबर क्या है? आपने 001 डाल दिया है ए में, तो बी में क्या डालेंगे, 002 भवन नंबर 2 डालेंगे। लेकिन भवन 2 में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ 2 गो इसमें मकान है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि यहाँ 002 है भवन नंबर, मकान नंबर 02 और 003 मकान नंबर है, तो 2 में 2 को दरवाजा है और मकान नंबर 3 में 1 दरवाजा है, तो इस दरवाजा से कोई मतलब नहीं है। आपको ये जानना है कि इस 2 मकान में एक ही परिवार रहते हैं, तो आपको क्या करना है, नवीनीकरण एक ही करना है। और यहाँ क्या है, एक ही परिवार रहते हैं तो यहाँ पर भी नवीनीकरण एक ही करना है। यानी क्लियर आपको ये समझ लेना है कि भले वो घर में कितना दरवाजा हो उसे मतलब नहीं है, देख लेना है कि उस घर में कितने परिवार के लोग रह रहे हैं। अगर 2 परिवार के लोग रहें तो उसमें मकान 2 गो माना जाएगा, ठीक है, मकान 2 गो माना जाएगा, यानी यह प्रथम मकान और यह हो गया आपका दूसरा मकान। भवन संख्या 2 में 2 गो मकान है जो क्या है, 3 नंबर है और 4 नंबर है, 003 और 004, ठीक है। परिवार के सदस्य पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने परिवार के लोग रह रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मकान में 2 परिवार के सदस्य रहते हों, आगे मिलेगा, जैसे आप यहाँ सी में देखिएगा, सी कहता है ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में 1 भवन में 2 गन्ना मकान है। देखिए यहाँ 2 गन्ना मकान है, मकान संख्या 2 गो है, मकान नंबर 4 में 1 परिवार तथा मकान संख्या 5 में 1 से अधिक यानी 2 परिवार रहते हैं। देखिए यहाँ समझाया जा रहा है कि मकान संख्या जो यह आप 4 देख रहे हैं इसमें एक ही परिवार के लोग रहते हैं, लेकिन मकान संख्या 5 में 2 परिवार के लोग रह रहे हैं, तब इसको आप कैसे भरिएगा, इसको समझना है। यहाँ भले ही
मकान संख्या 5 आपने दिया है लेकिन परिवार 2 रह रहे हैं। अब यहाँ एक सोचने वाली बात होगी कि यहाँ परिवार संख्या बदल जाएगा, परिवार संख्या बदलेगा। आगे मैं भर के बताऊँगा कैसे आपको भरना है। अब देखिए यहाँ यहाँ कहते हैं शहरी परिप्रेक्ष्य में बहुमंजिला इमारत, इसमें एक भवन 6 गन्ना मकान है जिसमें प्रत्येक गन्ना मकान में एक एक परिवार के लोग रहते हैं। मैंने 6 को इसमें गन्ना मकान है लेकिन 6 में एक एक परिवार के लोग रहते हैं, किसी में डबल परिवार के लोग नहीं रहते हैं। तब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस प्रपत्र का नमूना मैंने नीचे दिखाया है और स्पष्ट भी भर का आया हुआ है, ठीक है, इसको देखकर आपको समझना है। उपरोक्त उदाहरण के अनुसार अभ्यास हेतु प्रपत्र का भरा हुआ नमूना संक्षिप्त मकान सूची नीचे भरा हुआ नमूना नीचे दिया गया है, आप इस नमूना से समझिए। चलिए देखिए यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बताया जा रहा है, देखिए मकान सूची विवरणी, जैसे ए में आपने देखा था कि एक ही मकान है और एक ही परिवार के लोग रहते हैं, तो देखिए यह क्रम संख्या तो एक हो गया, ठीक है। यहाँ भवन संख्या भी क्या हो गया, 001। मकान संख्या भी एक हो गया क्योंकि एक मकान में एक ही भवन था, एक ही परिवार के लोग थे। इस सब में आवासीय भरना है, केवल आवासीय करना है, बाकी किसी का नहीं करना है। परिवार संख्या एक परिवार है तो एक भरेंगे, इसके परिवार के मुखिया का नाम भर देंगे, इसके परिवार में कितने सदस्य है तो आसानी से भरा जाएगा। परिवार का क्रम तो एक ही रहेगा, इसमें एक ही परिवार है तो क्या दिक्कत है। और इसमें तिथि आप डालेंगे, आप परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर यहाँ करा लेंगे, तो ए में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बी में थोड़ा सा झंझट, देखिए बी में आइए, मकान भवन नंबर जब बी में गए थे आप तो भवन नंबर क्या है, एक एक भवन था तो 002 हम यहाँ भरा गया, 02 यानी 0202, लेकिन एक ही भवन में 2 मकान है तो 2 और 3 आ गया, आगे ना 2-3 आवासीय तो होगा ही, यहाँ एक एक हो जाएगा। यहाँ परिवार संख्या एक और एक भर दिया गया, दोनों के मुखिया का नाम भर दिया गया, और प्रथम परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, दूसरे में 3 सदस्य रहते हैं, लिख दिएगा यह क्रम संख्या एक भी होगा, बाकी नाम भर देंगे, ठीक है। इसके बाद सी में आते हैं, सी में एक मैंने पेजा बात एक था जिसे समझना है। सी में भवन संख्या क्या तीसरा है, तो देखिए 3-3-3 भरा गया है, भवन संख्या 3 भरा गया है सी में, देखिएगा तो भवन संख्या हो गया, समय 3 भरा गया है। लेकिन उसी भवन में सी में आपने देखा था कि 2 परिवार के लोग रह रहे हैं, मैंने 2 मकान है, मकान नंबर 4 और मकान नंबर 5, ठीक है 4 और 5। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, उसमें ये दिया गया था कि मकान नंबर जो 5 है उसमें 2 परिवार के लोग रहते हैं, इसलिए इसको 2 जगह दर्शाया गया, देख लीजिए 5-5 2 जगह दर्शाया गया। लेकिन मकान नंबर 3 में 4 में, यहाँ मकान नंबर 4 में एक ही परिवार के लोग रहते हैं, अतः 1 जगह दर्शाया गया, आवासीय लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको एक बात लिखना है, यह मकान यहाँ जो आपने 5 नंबर डाला था क्रम संख्या 5 में, यहाँ 3 भवन संख्या 3 डाला गया, लेकिन मकान नंबर 5 और मकान नंबर 5 2 जगह मकान नंबर 5 लिखा गया, इसलिए लिखा गया क्योंकि एक ही मकान है। अब देखिए मिलेगा एक ही घर है लेकिन लोग कहेगा इसमें 2 परिवार के लोग रहते हैं, तो यहाँ क्या हो गया 2 यहाँ भर दिया गया, परिवार की संख्या क्या हो गया 2। अगर एक ही मकान है, एक ही रूम है, एक ही कमरा है लेकिन 2 परिवार के लोग रहते हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, परिवार का संख्या 2 भरेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर एक ही घर में 2 परिवार के लोग रहते हैं तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम मकान 2 मान लेंगे, नहीं मानेंगे, आप मकान संख्या एक ही रखेंगे, 5 ही रखेंगे, और यहाँ परिवार संख्या 2 दर्शा देंगे, लेकिन दोनों परिवार संख्या के मुखिया का नाम जरूर भर देंगे, और प्रथम परिवार में कई गो लोग हैं उसको भर देंगे, दूसरे परिवार में कई गो लोग हैं उसे भर देंगे, ठीक है। आप अब प्रथम को क्रम संख्या 1 दे देंगे बड़े भाई को, और छोटे भाई को क्रम संख्या 2 दे देंगे, ठीक है, और हस्ताक्षर करा लेंगे। तो ही एक समझने वाला है, अगर एक ही कमरा है और एक ही कमरे में, एक ही रूम में अगर 2 परिवार के लोग रहते हैं तो आपको यहाँ क्या करना होगा, परिवार संख्या 2 करना होगा, बाकी किसी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और 7 नंबर कोई दिक्कत नहीं, 7-8 देख लीजिए क्रम संख्या। चौथा अगर डी में जाते हैं तो मकान भवन नंबर क्या होगा, 4 होगा, सब जगह 4 लिखा गया, देख लीजिए 4 हो गया, सब जगह 4 लिखा गया, कहीं इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं। इसका मकान इसमें क्या है, पढ़ते 6 नंबर मकान संख्या, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये बढ़ते गए क्योंकि एक एक परिवार के लोग सब में रहते हैं, सब आवासीय हैं, अतः सब में एक एक भराएगा, सबके मुखिया का नाम हम लिखवा देंगे, सब परिवार में कितने कितने सदस्य यहाँ डाल देंगे, और क्रम संख्या सब में एक होगा, और यहाँ उनके हस्ताक्षर करा देंगे, ठीक है। केवल एक ही यह बात है जो 2 वाला, इसी को थोड़ा समझने वाली बात है, इस पर गौर करेंगे और ध्यान से देखेंगे। ये प्रपत्र आपको मिला भी होगा, उस प्रपत्र का अच्छा से अध्ययन करेंगे और समझ लेंगे, और कल से आप सर्वे काम शुरू करेंगे, और कहीं कोई परेशानी होती है तो कमेंट करेंगे।
मैं आपका डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, उससे आप कॉन्टैक्ट भी कर लेंगे ताकि कोई समस्या आपको ना हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।